गैंगस्टर के खिलाफ बड़ा एक्शन। कुल 72 ठिकानों पर एनआईए की रेड। देश में सक्रिय खूंखार गैंगस्टर पर शिकंजा कसने के लिए एनआईए पूरी तरह सक्रिय है। यही वजह रही कि बड़े स्तर पर मंगलवार को तीसरी बार रेड की गई। देश के कुल 8 राज्यों के 72 शहरों में एनआईए ने गैंगस्टर के ठिकानों पर छापा मारा। दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान में रेड की गई। उज्जैन के नागदा में एनआईए की टीम ने दीपक नाम के युवक के घर रेड की। बताया जाता है कि दीपक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। दरअसल एनआईए को लगातार ये इनपुट मिल रहे हैं कि देश में सक्रिय गैंगस्टर को अब पाकिस्तान से मदद मिल रही है, जिसमें हथियार और पैसा भी शामिल है और मदद करके टारगेट किलिंग कराई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई और बवाना गैंग को पाकिस्तान से फंडिंग की जा रही है, जिसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जाता है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में जेल में बंद लॉरेंस और नीरज बवाना ने भी हथियार सप्लायर गिरोह और टेरर फंडिंग की बात कबूली की। एनआईए को रेड के दौरान कई जगह हथियार भी मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।